चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक। पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का रिवीजन करेंगे हम लोग आज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार इससे सवाल बढ़ रहे हैं, ठीक। लगातार इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। और अगर आप लोग इसी तरह का रिवीजन लगातार चाहते हैं कि मैं यूनिट 2 कभी करा दूं, यूनिट 3 कभी, यूनिट 10 तक मैं अगर आपका रिवीजन करा दूं, तो आपको क्या करना होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ठीक। और लाइक करे बगैर कभी मत जाया कीजिए, यस। और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम फीस नहीं पे कर पाएंगे, सक्षम नहीं होते हैं जो लोग, उनके लिए टेक्स्ट बुक एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया है। क्या है वो ऑफर? स्कॉलरशिप लेकर के आया है टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए। आपको लगता है कि आप में क्षमता है, ठीक, तो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए स्टूडेंट्स। कब होने वाला है ये स्कॉलरशिप टेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे थोड़ा सा अपने आप को 1 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, 21 अक्टूबर 6 बजे से 9 बजे तक ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप अटेंड कर पाएंगे। इसका लिंक कहां पे मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो मिल जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इसका कर लीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए 21 अक्टूबर को। टाइम याद रखिएगा 6 बजे से 9 बजे तक। और 21 अक्टूबर को ही ये बात याद रखिएगा कि 3 बजे सोशियोलॉजी का मैं टेस्ट लेने वाला हूं आप लोगों का, ठीक। यहां पर आपका पेपर 1 का टेस्ट हो जाएगा और वहां पर आपका सोशियोलॉजी का टेस्ट हो जाएगा, देखिए कितना मजा आएगा। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, ये आप सब लोगों को देना तो जरूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा आपका। डबल फायदा, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, एक तो स्कॉलरशिप मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो मॉक टेस्ट तो मिल ही जाना है। देखिए कितना बेहतरीन ऑफर है आपके लिए, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले, और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो मॉक टेस्ट के बल्ले बल्ले, ठीक। और सुपर कोचिंग्स को सुपर टीचर्स हमारे सुपर फैकल्टी बनाते हैं, तो हमारे पास जो अभी इंपॉर्टेंट सुपर फैकल्टी हैं, सुपर टीचर्स हैं, पेपर 1 की तुलिका मैम और प्रीति हुडा मैम। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे चलती है, प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और शाम को 7 बजे चलती है। दोनों क्लासेस को आपको जरूर से अटेंड करना चाहिए, ठीक। और जिन लोगों को नहीं पता है, देखिए इनके स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर को शाम को 6 बजे होगा और 21 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे मैं सोशियोलॉजी का आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेने लेने लेके आने वाला हूं, वो सब आपको अच्छी तरह से पता चल ही गया है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहले थिंकर, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट कोलोनियलिस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पार्ट के सबसे पहले थिंकर आपको एडवर्ड सईद नजर आते हैं। अभी आपने देखा कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। पहले ये सारा चीज पैलेस्टाइन हुआ करता था, जिस रीजन में ये युद्ध चल रहा है। यहूदियों को जगह चाहिए थी अपना देश बनाने के लिए। पैलेस्टाइन उस समय कमजोर था, यूएन ने यहूदियों को अपनी जगह वहीं पर बनाने के लिए जगह दे दी और उसका नाम दे दिया इसराइल। जगह पैलेस्टीन की थी, अब पैलेस्टाइन से जब छुड़ा करके जगह इसराइल को दे दी गई और इसराइल धीरे 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 आसपास के क्षेत्र को कब्जा करता चला गया, तो वहां के जो लोग थे कुछ वो टेररिस्ट बन गए, एक्सट्रीमिस्ट बन गए। ऐसा होता ही है जनरली, जो टेररिस्ट बन गए, जो वो उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम आज हमास के नाम से जानते हैं, ठीक। बहुत बड़ा डिस्प्यूट है हमास और इसराइल के बीच में। हमास टेररिस्ट एक्टिविटी करना नहीं छोड़ता है, इसराइल उनको नहीं छोड़ता है।
ठीक, एडवर्ड साइड जो थे उन्होंने भी पैलेस्टीन का कॉज उस समय उठाया था 1978 में, ठीक है। तो एडवर्ड साइड के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये कहते हैं कि जो एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके लिए वेस्ट की पॉलिसीज जिम्मेदार है। तो ये पैलेस्टाइन में जो अभी युद्ध चल रहा है, अगर एडवर्ड साइड से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि उसके लिए वेस्ट ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही क्रिएट किया था ऐसी सिचुएशन कि यहां पर हमेशा डिवाइड एंड रूल बना रहे, ठीक है। चलिए, तो इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे पहली है ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखी गई थी, और कल्चर और इंपीरियलिज्म 1993 में लिखी गई थी। दोनों की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। देखिए, ये इनका नया कॉन्सेप्ट जो आज मैं लेकर के आया हूं, पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टाइन कॉज के बारे में इन्होंने कहा है, फलस्तीन और फलस्तीनी कारण। साइद वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ पैलेस्टीन कॉज। ये पैलेस्टीन कॉज को, जो फलस्तीन के मुद्दे थे उसके, ये बहुत प्रमुख समर्थक थे। वकील आ गया है यहां पे, समर्थक कर लीजिए। एडवर्ड साइड की आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पता है, अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, अभी सारा चीज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पैलेस्टीन की थ्योरी समझ लीजिए। आज बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास अटेंड कर रही हूं नेहा, थैंक यू, वेरी गुड। आप सब लोगों को बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोग लाइव क्लास करते हैं। जितने भी लोग लाइव क्लास करते हैं उनसे मेरा विशेष संबंध होता है, क्योंकि मैं उनका नाम जो है पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कम से कम तो मुझे याद रहता है। जैसे पुष्पेंद्र हैं जो हमेशा लाइव क्लास अटेंड करते हैं, ठीक, तुलसी, मंगल प्रसाद, अनु हमेशा करती हैं, अंजलि हमेशा करती हैं, रुमा हमेशा करती हैं। देखिए, आप जो नाम मैं बोलता हूँ ना, आप ध्यान रखिएगा, देखना, जो लोग क्लास करते हैं उसका फल उनको, जो लाइव क्लास करते हैं उसका फल उनको मिलता है, ठीक। तो पैलेस्टीन कॉज के लिए एडवर्ड सईद ने सबसे पहले वॉइस रेज किया था और आवाज उठाने का काम किया था। ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड द नीड फॉर जस्ट सॉल्यूशन इन द रीजन। ये चाहते थे कि वहां पे न्यायपूर्ण, इस समस्या को सुलझाने के लिए न्यायपूर्ण तरीका होना चाहिए। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही कि क्यों आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए कौन दोषी है, इसके लिए यूएन और इसके लिए वेस्टर्न सोसाइटीज दोषी हैं, ऐसा एडवर्ड साइड कहते हैं, ठीक। तो उन्होंने इसराइल और फलस्तीनी जो संघर्ष चल रहा है सदियों से, जब से इसराइल बना है, जैसे ये वही बात हुई कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब भारत से कट करके ये सब बने हैं और फिर उसके बाद भारत को ही काटने लग जाएं, ये वही बात हो जाती है। भले ही आज इसराइल को कितना भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पहले ये सब पैलेस्टाइन था या फलस्तीन था, समझ गए। बाद में इसराइल कंट्री बनी है और इसराइल कंट्री पैलेस्टीन से बहुत बड़ी हो गई, ठीक। कुछ लोग, हमेशा ऐसा ही होता है, जब किसी की जमीन पर कोई कब्जा करता है तो वहां पर टेररिज्म होता ही होता है। फलस्तीनियों के अधिकार और क्षेत्र में उचित समाधान की आवश्यकता के बारे में विस्तार से इन्होंने लिखा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि पैलेस्टीन पर किसने वर्क किया है इलेबोरेटली, ठीक है। फिर इनका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एग्जाइल एंड आइडेंटिटी। तो यहां पर ये डायस्पोरा की बात करते हैं। डायस्पोरा कौन होता है ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा यानी प्रवासी। जब किसी को नहीं मालूम था, सब लोग समझते थे कि ये बहुत कठिन है सवाल, ठीक, तब मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाता आया हूं, और आज अब सब स्टूडेंट को पता चल गया कि क्या होता है डायस्पोरा। पहले लोग डायस्पोरा का नाम सुनकर के घबरा जाते थे कि अभी पता नहीं कौन सा टॉपिक आ गया, पता नहीं क्या थ्योरी है, लोगों को ये बहुत टफ लगता था। डायस्पोरा ऐसी कम्युनिटी होती है जो अपने देश के अलावा बाकी देशों में रहती है, मतलब अपने देश की है, भारत के लोग जो है बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको हम डायस्पोरा कहते हैं, भारत के लिए वो डायस्पोरा है।
लेकिन शुरुआती दौर में जब डायस्पोरा शब्द इस्तेमाल किया गया था तो यह दुख और पीड़ा के कारण किया गया, क्योंकि यहूदियों को जर्मनी छोड़ करके, क्योंकि उनके जान पर बनाई थी बात, अगर वो वहां रहते उन्हें मार दिया जाता, इस वजह से वो छोड़ करके दूसरी जगह पर बसते हैं। ठीक है, हिटलर इन सब का खात्मा कर रहा था और उसी समय इनको जगह नहीं मिल रही थी कहीं, तो उस समय पैलेस्टाइन की जगह पर इन्हें जगह दी गया, क्योंकि इनका रिलीजियस सेंटर वहां पर है। ठीक, तो एग्जाइल एंड आइडेंटिटी, साइड एज अ पैलेस्टीन अमेरिकन ऑफन रोट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाइल एंड डायस्पोरा, ही एक्सप्लोर्ड हाउ पीपल लिविंग आउटसाइड देयर होमलैंड। इन्होंने उन लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश किया जो लोग अपना देश छोड़ करके, मजबूरन जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बसते थे। अब जब आप दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या होगी उस देश में, आपकी बिलोंगिंग होगी कि नहीं होगी, आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और कल्चरल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। ठीक, जब आप अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में मजबूरी बस जाते हैं, अपने जान की रक्षा के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको ये तीन सवाल उठते ही उठते हैं कि आपकी पहचान क्या होगी वहां पर, क्या आपको उस देश के लोग उसी तरह से स्वीकार करेंगे जिस तरह से अपने नागरिकों को करते हैं, और आपका पूरा का पूरा कल्चरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एक कल्चर से आप अपने कल्चर को छोड़ करके दूसरे के कल्चर में चले जाते हैं। ठीक, तो सईद ने कहा, एक फलिस्तीनी अमरीकी के रूप में अक्सर निर्वासन, निर्वासन और प्रवासी भारतीयों के अनुभव के बारे में ठीक लिखते हैं। उन्होंने पता लगाया कि कैसे अपने देश से बाहर रहने वाले लोग अपनी पहचान, अपनेपन और सांस्कृतिक विस्थापन के सवालों से जूझते हैं। क्या रहेगी उनकी पहचान वहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक, 2023 के लिए। ठीक, इन्फ्लुएंस ऑन सब ऑल्टर्न स्टडीज। अब देखिए, सईद जो है वो सब ऑल्टर्न का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सब ऑल्टर्न का मतलब क्या होता है, सब ऑल्टर्न का मतलब होता है कॉमन लोग, निचले तबके, निम्न स्तर के लोग। निम्न स्तर के लोगों के नजरिए से जब आप समाज को देखते हैं कि उनके नजरिए से देखना है, लोअर स्टेटस पीपल, लो क्लास या लो स्टेटस, उनके नजरिए से आप दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए दुनिया कैसी है। ठीक, तब उसको क्या कहते हैं अपन, सब ऑल्टर्न स्टडीज कहते हैं उसको। क्लियर है, भूलोगे नहीं आज के बाद कभी, उसी को सब ऑल्टर्न स्टडीज कहते हैं। ठीक, साइड वर्क पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू पोस्ट कॉलोनियल थॉट हैज इन्फ्लुएंस्ड सब ऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप इन साउथ एशिया। ठीक, इन्होंने सब ऑल्टर्न स्टडीज को इन्फ्लुएंस किया है साउथ एशिया में। स्कॉलर एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप, कौन कौन इनसे इन्फ्लुएंस हुआ है भैया, रंजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, हैव यूज सैड्स आइडिया, सईद आइडिया to analyze experience and voice of marginalized group in the context of colonial and post-colonial history। ठीक, तो रंजीत गुहा और दीपेश चक्रवर्ती ऐसे भारतीय समाजशास्त्री और इतिहासकार हैं जिन्होंने सईद के जो सबऑल्टर्न स्टडीज हैं, जैसे सईद ने ओरिएंटलिज्म लिखा तो उन्होंने बताया कि वेस्ट ने एक आइडियोलॉजी क्रिएट की अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, उसी प्रकार से रंजीत गुहा भारत के अंदर और दीपेश चक्रवर्ती भारत के अंदर अध्ययन करते हैं, उसी नजरिए से अध्ययन करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है क्या सेशन यार, रोज बताना पड़ता है भाई साहब। देखिए कितने कम लोगों ने लाइक किया है, देखिए रोज रोज बोलना पड़ता है। और आज मास्टर क्लास होगी 2 बजे, सब लोग आ जाइए, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं। 611 क्वेश्चन से शुरू होगा आज का सेशन। ठीक, सईद के काम ने विशेष रूप से उत्तर
औपनिवेशिक विचार के संबंध में दक्षिण एशिया में सब ऑल्टर्न अध्ययन समूह को प्रभावित किया है, जिसमें से रंजीत गुहा और दीपेश चक्रवर्ती ठीक ने औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में हाशिए पर रहने वाले लोगों के अनुभव और उनके आवाज जो उठाते हैं वो उसका विश्लेषण करने के लिए सईद के विचारों का उपयोग किया है। याद रखना रंजीत गुहा और दीपेश चक्रवर्ती, रंजीत गुहा हिस्टोरियन है बहुत बड़े वाले ठीक। चलिए अब आते हैं पियरे बोर्डियू, तो इनकी दो थ्योरी भी रही क्या, एडवर्ड सईद की दो थ्योरी थी, एक तो ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद, याद ही होगा आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और दूसरा ह्यूमन राइट मानव अधिकार। ठीक, दोनों की दोनों थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, इसका तो ईयर तक पूछ लिया 1978, कई सारे एग्जाम में सिर्फ ओरिएंटलिज्म कब लिखी गई थी ये तक पूछ लिया। ठीक सर मैं तो रात 2 बजे लाइक करती हूं, अच्छा वेरी गुड आडवेर। चलिए अब आते हैं पियरे बोर्डियू, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन में कंफ्यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन यानी री और प्रोडक्शन, यानी कि पुनः उत्पादन। अब संस्कृति का पुनः उत्पादन कैसे होता है, कल्चर का, संस्कृति का पुनः उत्पादन कैसे हो गया, संस्कृति कोई आलू प्याज चिप्स मोमोज पिज्जा ये थोड़ी है। तो संस्कृति का पुनरुत्पादन होता है सोशलाइजेशन से, समाजीकरण से ठीक है। आप अपने बच्चों को सिखाते ठीक, समझ गए, वही संस्कार वही आदतें जो आपके अंदर होते हैं, क्लियर है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं भाई संस्कृति में, नहीं तो आप समझो कि यार क्या बोल रहे हैं सब, क्लियर है, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है ठीक। तो रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन मतलब जो हमारे जो हायर क्लास सोसाइटी के जो स्टाइल होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, एजुकेशन सोसाइटी और कल्चर उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, उनके व्यवहार को, उनके तरीकों को, उनके स्टाइल को, उनके टेस्ट को, उनके ड्रेसिंग पैटर्न को लोगों में डालने का काम करते, लोगों को सिखाने का काम करते, किस लिए, ताकि उनका डोमिनेंस बना रहे ठीक है। फिर उनकी किताब आई डिस्टिंक्शन एंड रूल्स ऑफ आर्ट 1979 में ही आई, लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980 में आई ठीक है। तो ये सारी की सारी किताबें याद रखना, सोशियोलॉजी इन क्वेश्चन, प्रैक्टिकल रीजन, आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, मैस्कुलाइन डोमिनेशन, साइंस ऑफ साइंस एंड रिफ्लेक्सिविटी। देखिए इनकी किताब ही रिफ्लेक्सिविटी पे है, पिछली बार ही ये सवाल आया था कि रिफ्लेक्सिविटी पर किस किस थिंकर ने वर्क किया है ठीक। तो कल मैंने आप लोगों को मैनहेम में भी बताया था कि इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी पर उन्होंने भी वर्क किया। अब देखिए एंथोनी गिडेन ने भी वर्क किया, पियरे बोर्डियू ने भी वर्क किया, क्योंकि इनकी किताब में ही है रिफ्लेक्सिविटी, समझ गए। तो किताब से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अभ्यास, एक अभ्यास के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। आपने सीख लिया लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रूप में लाना चाहते हैं, इधर पे अभ्यास का मतलब है व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करना,
इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाता। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रूप में आपने थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस जो है पियरे बर्द्यू की, कि आप प्रैक्टिकल रूप में जब आपको इस्तेमाल करना है किसी चीज का तो आप क्या कैसे करोगे। सबसे पहले आप कल्चरल कैपिटल सीखोगे, सबसे पहले आप सांस्कृतिक पूंजी सीखोगे। जब आपको व्यवहारिक रूप से करना है तो सांस्कृतिक पूंजी क्या होती है, वही जो हायर क्लास के कल्चर, हायर क्लास के टेस्ट, हायर क्लास का ड्रेसिंग पैटर्न, हायर क्लास के रहन सहन का तरीका, हायर क्लास के स्वाद जो चीजें वो सीखते हैं, उनकी तरह से व्यवहार करना, उनकी तरह से खान पान रखना, वो कल्चरल कैपिटल हो गया, वो सांस्कृतिक पूंजी हो गई। फिर उसके बाद आप उसको हैबिटस बनाते हो। हैबिटस मतलब एक ऐसी अवधारणा, हैबिटस आदतन, तो यहां पे अभ्यास की अवधारणा आदतन, ठीक है, यहां कहीं लिखा है स्वभाव। आदतन आदतन माने ऐसी आदत जो आपके ऐसा लगे कि आपकी बॉडी पार्ट बन गई है, ठीक, आपको हैबिट में लाना होगा अपने उस आदतों को, ठीक है। और फिर उसके बाद फील्ड, फील्ड क्या होता है, जहां पे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्षेत्र इन विच सोशल एक्शन इज अकर्ड, यानी ये सारी चीजें समाज के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में आप जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जब आप जॉब करेंगे वहां पर आप उस तरह से बिहेव करेंगे, पहन लेंगे टाई ऐसे करके, हायर क्लास के लिए टाई और कोट डाल लेंगे, ठीक है, या पैंट शर्ट पहन लेंगे इन करके, उसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मल ड्रेस। समझ गए, चलिए, हाँ आएगा अभी डॉक्सा, आएगा डॉक्सा, ठीक, डॉक्सा आएगा। लेकिन पहले अगर जिस जिसने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, थोड़ा मेरे को टाइम भी लगता है, तो ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और प्लेस, ठीक है, नेम एंड प्लेस मैसेज कर दीजिएगा, फुल नेम लिखिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा 7838517884 पर, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल है भैया अपना, ठीक दोस्त, मनोज सोनकर _testbook, ठीक, तो मैं आप लोगों को ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर इनका कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल, ऑब्जेक्टिफाइड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल। तीन तरह के कल्चरल कैपिटल होते हैं, ठीक, थ्री टाइप्स ऑफ कल्चरल कैपिटल होते हैं। एक होता है एम्बॉडीड, जो कि आपके बॉडी की तरह समाविष्ट हो जाता है आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर का अंग बन जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिफाइड, ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल होते हैं वो कल्चरल कैपिटल जो समाज में आपका स्टेटस बढ़ाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला घर मकान पड़ोस, कहां रहते हैं, पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आपकी स्टेटस बढ़ जाती है समाज के अंदर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वो होते हैं जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, जिनको आप मॉनेटरी टर्म में चेंज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो मॉनेटरी टर्म में, जैसे आप PhD करते हो काहे करते हो, UGC नेट करते हो काहे करते हो, सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है तो जॉब अच्छी लग जाती है और क्या है, तो वो सब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल होते हैं, ठीक। क्या कल्चरल कैपिटल से इनइक्वालिटी आती है, जी हाँ आती है, जी हाँ मैं हूं खलनायक, आती है इनइक्वालिटी, असमानता आती है कल्चरल कैपिटल से। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इन्होंने बताए हैं, ये कहते हैं कि तीन तरह के ब्रॉड टाइप ऑफ कैपिटल होते हैं। देखिए वो फॉर्म ऑफ कल्चरल कैपिटल थे, ये फॉर्म ऑफ कैपिटल है। मार्क्स कहता है कि केवल कैपिटल जो होता है वो पैसे के रूप में होता है, ये कहते हैं कि नो 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 नो, कैपिटल इज नॉट ओनली इकोनॉमिक। कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि नहीं नहीं इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक बट कैपिटल कैन बी कल्चरल, कैपिटल कैन बी इकोनॉमिक एंड कैपिटल कैन बी सोशल। ये कहते हैं मार्क्स जो है वो बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, सांस्कृतिक भी पूंजी होती है जो समाज में आपका स्टेटस तय करती है कि आपकी संस्कृति किस तरह की, आर्थिक पूंजी होती है और सामाजिक पूंजी होती है। तो इन्होंने पूंजियों को भी तीन तरह में डिवाइड किया है और ये इनइक्वालिटी लाते हैं समाज में, ठीक। अब आ जाइए डॉक्सा, डॉक्सा क्या होते हैं, हमारे बिलीफ्स होते हैं।
हमारी मान्यताएं होती हैं, बिलीफ। हर समाज में कुछ ऐसी बिलीफ्स होती हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जिन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो क्वेश्चनिंग, सवाल मत उठाना बेटा। सवाल उठाए और फिर पढ़े, पटा पढ़ा तुम्हें। उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्सा कहते हैं। ठीक, ये हमारे हैबिटस बन जाते हैं, जैसे कि बुजुर्गों का पैर पड़ना। ठीक, अब बुजुर्गों का पैर क्यों पड़ना है, इसका कोई आपको कोई सवाल नहीं करना, आपको जाके पैर पड़ना है बस। ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी विश्वास है कि हमें आशीर्वाद लेना है। अब आशीर्वाद क्या चीज होती है, भगवान, भगवान ए कहां रे तू। तो भगवान के प्रति भी आप सवाल नहीं उठा सकते, ये हमारी विश्वास है, ये हमारा मान्यता है भगवान। क्लियर? तो ये लेकिन हमारे आदत में होता है, रोज सुबह उठ करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये क्या होता है, ये हमारी आदत बन जाती है। हाथ जोड़ प्रणाम कर, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ठीक, ये क्या है, ये डॉक्सा है जिस पे आपको क्वेश्चन नहीं करना। ठीक, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। इट इज अनक्वेश्चन्ड बिलीफ एंड अजम्पशंस दैट आर पार्ट ऑफ अवर हैबिटस। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, वो खाना वाना नहीं बनाती अब, ठीक, उससे उठते नहीं बनता, लेकिन फिर भी रोज सुबह बैठ जाएगी तो वो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन रोज सुबह पूजा करती है। और जो हमारे यहाँ कुक आती है खाना बनाने के लिए, तो वो उसको मतलब जब वो बैठ जा, वो देखती है कि हाँ वो कुक आ गई, तब वो जाती है पूजा करने के लिए, बैठती है, फिर उसके बाद जब उठती है तो वो उसको सहारा दे करके उठाती है। मतलब उसके बॉडी पार्ट, जिस दिन वो पूजा नहीं करती कहती है कि मेरा मतलब कि मेरे को लगता है कि मैं रह ही नहीं सकती, कहती, समझ गए। तो वो क्या है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उस पर। ठीक, डॉक्सा उन स्वीकृति निर्विवाद विश्वासों और धारणाओं को संदर्भित करता है जो हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी है, हमारा एक तरह से बॉडी पार्ट बन जाती है। ठीक, समझ गए। चलिए, बॉर्डी आर्ग्यू दैट अनएग्जामिन्ड बिलीफ्स कैन रीइंफोर्स सोशल नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज। ये कहते हैं कि ये जो अपरीक्षित मान्यताएं होती हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं, ये असमानताओं को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मान्यताएं, आप बोल नहीं सकते कि ब्राह्मण ही क्यों मंदिर में बैठेगा भैया पूजा करने के लिए, दलित क्यों नहीं बैठ सकता। बोलेंगे दलित, दलित बैठेगा तो कोई मंदिर में पूजा करने नहीं आएगा महाराज। ठीक है, उसको कहते हैं डॉक्सा। चलिए अब आ जाइए मिशेल फोको। मिशेल फोको की मेरे को थ्योरी पहले बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन अब मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती है। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द फादर्स नो, बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ऑर्डर ऑफ द थिंग, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये सबसे पहले ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे थे, ठीक है, याद रखना, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज शुरू में ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर थे, और बाद में ये जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखते हैं।
ठीक, तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर बढ़े हैं। सिक्स्थ किताब है डिसिप्लिन एंड पनिश, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, नीचे जेनियोलॉजी, हिस्ट्री सेक्सुअलिटी एंड पावर, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट कॉल्स फॉर पनिशमेंट, यूज ऑफ प्लेजर, केयर ऑफ द सेल्फ, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिशेल फुको मैड थे, क्यों? क्योंकि उनके फादर हर चीज में उनको नो कह दिया करते थे। तो जब वो फादर से यस सुनने के लिए एक बार क्लिनिक में जाकर के बैठ गए, ठीक, और बोलने लगे कि नहीं मुझे जो है थिंग्स को ऑर्डर में लाना है। तो उन्होंने बोला भैया थिंग्स को ऑर्डर में लाने के लिए आपको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्रिएट करना पड़ेगा। समझ गया, ये स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं याद करने के लिए। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लाना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन कैसे आएगा, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक, समझ गए। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, तो बोले कि सेक्सुअलिटी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। सेक्सुअलिटी कैसे आती है, जेनियोलॉजी से आती है, और जिस जो सेक्सुअलिटी है उसमें पावर है, ठीक है, पावर से जोड़ के देखा जाता है सेक्सुअलिटी को। ठीक, चलिए, तो इस तरह से, और फिर उसके बाद प्लेजर क्या क्या नहीं होता है तो सेक्सुअलिटी के बाद प्लेजर है किताब, ठीक, और फिर उसके बाद केयर है, ठीक, फिर केयर भी तो करना पड़ता है सब चीजों का, है ना। चलिए, ऐसे करके याद कर लेंगे ना तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए है, उन्होंने पावर को नॉलेज कहा है, उन्होंने इन दोनों के बीच में शक्ति को ज्ञान कहा है, वो कहते हैं शक्ति ही ज्ञान है। सेक्सुअलिटी के बारे में ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में इस तरह के इक्विपमेंट बनाए गए, इस तरह का ज्ञान क्रिएट किया गया, नॉलेज क्रिएट किया गया, जिसमें कि हमारी कामुकता का दमन हुआ, दमन किया गया हमारे कामुकता का, रिप्रेस किया गया हमारे कामुकता का। तो इससे चार तरह की पर्सनैलिटी उत्पन्न हो गई, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले महिलाओं के ऊपर उतनी पाबंदी नहीं थी, महिलाएं भी अपना स्वतंत्र रूप से घूमती थी, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लिया करती। 18वीं शताब्दी के बाद महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया, ये कहते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दिया गया और महिलाओं के ऊपर कड़े नियम, कड़े कानून लगा दिए गए। जो महिला की सेक्सुअलिटी है, ठीक, महिला को एक नर्वस विमेन की तरह पेश किया गया कि अगर ये बाहर जाएगी तो मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, वो बाहर रहेगी तो नर्वस रहेगी, वो घबरा जाएगी, डर जाएगी, कोई भी उसका फायदा उठा लेगा। इससे जो एक तरह की पर्सनैलिटी उत्पन्न हुई वो है हिस्टेराइजेशन ऑफ विमेन्स बॉडी। ठीक, विमेन्स बॉडी को आपने कामुकता से परिपूर्ण देख लिया। ठीक, ये कहते हैं ये सारी जो धारणा है, ये सारे जो नॉलेज क्रिएट किए गए, ये 18 सेंचुरी के अर्लियर शुरुआत में ये क्रिएट किए गए। ठीक, ये कहते हैं कि ये फॉल्स नॉलेज क्रिएट की गई अपना डोमिनेंस बनाने के लिए, पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर डोमिनेंस बनाने के लिए ये सब जो है रचा है ये विचारधारा। ठीक है, इसी तरह से वो चार पर्सनैलिटी बताते हैं, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक उन्होंने बोला कि मास्टरबेटिंग चाइल्ड पैदा हो जाता है, यानी ये कहते हैं कि देखो यार ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, कोई इंसान मास्टरबेट करता है, हस्त मैथुन करता है, वो प्राकृतिक है, इट इज वेरी नेचुरल। तो ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद कोई अगर बच्चा इस तरह के हरकत करते हुए पकड़ जाता था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे, तो वो पेडागोगाइजेशन ऑफ चाइल्ड हो गया। ठीक है, डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर क्या करेगा भैया इसमें, प्राकृतिक रूप से भगवान ने उसको 14 साल का हो गया, अब उसके अंदर हार्मोनल ग्रोथ हो गए, मिशेल फोको कहते हैं। ठीक, इस तरह से उन्होंने चार पर्सनैलिटीज बताई हैं जो इस रिप्रेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्होंने सर्विलेंस का कॉन्सेप्ट भी दिया है मिशेल फोको ने, जेरेमी बेंथम से ये इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने सर्विलेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर के बॉडी और सोसाइटी का स्टडी किया है ब्रायन एस टर्नर ने, सब याद रखना ये सब बातें। ठीक, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, लाइक नहीं किए हो सेशन को, तो फिर लाइक कर दो यार। चलिए,
हेट्रोटोपिया इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, हेट्रोटोपिया। ठीक, फोको इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ हेट्रोटोपियाज, फोको ने हेट्रोटोपियाज का विचार पेश किया है। ठीक, विच आर रियल और इमेजिनरी स्पेसेस दैट एग्जिस्ट इन ऑपोजिशन टू नॉर्मल एवरीडे स्पेस, दीज स्पेसेस हैव स्पेसिफिक रूल्स एंड फंक्शंस दैट कैन सर्व एज प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन चैलेंज एंड रेजिस्टेंस टू टू डोमिनेंट नॉर्म्स। जैसे आज के समय में भी आप देखिए हेट्रोटोपियाज, अब देखिए समझिए इस बात को, हेट्रो प्लस टोपिया, टोपिया मतलब, अब देखिए उसने क्या कहा था, कार्ल मैनेम ने, यूटोपिया, यानी टोपिया एक तरह की आइडियोलॉजी है, टोपिया एक तरह की विचारधारा है, हेट्रो माने भिन्न, जो कि नॉर्मल सामान्य विचारधारा से अलग है, सामान्य से अलग है, सामान्य से विपरीत है। ठीक, कभी यह बात सामान्य थी कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, कभी यह बात सामान्य थी कि महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए। जिस समय यह बात सामान्य थी उस समय कहीं किसी कोने में यह बात उठती होगी कि नहीं, महिलाओं को जॉब करना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उस समय जब ये सब, अब देखिए आज के समय में तो ये सामान्य बात हो गई, लेकिन उस समय ये हेट्रो आइडिया होगा, हेट्रो यूटोपिया होगा, समझ गए, जो चैलेंज प्रस्तुत कर रहा होगा उस समय की आइडियोलॉजी को। आज की विचारधारा को भी सेम सेक्स जो चीजें हैं, सेम सेक्स मैरिज आज के लिए हेट्रोटोपिया है। आज लोग सोचते हैं कि यार सेम सेक्स मैरिज हो सकता है कि नहीं, आज से 100 साल बाद आप देखना सेम सेक्स जो होगा वो बहुत काम, सम लैंगिक शादियां जो होंगी वो बहुत कॉमन हो जाएंगी। 100 साल भी नहीं लगने वाला, 50 साल में बहुत कॉमन लोग दिखने लग जाएंगे कि अबे यार ये दोनों लड़के लड़की लड़की हैं और दोनों ने शादी कर ली, दिखने लग जाएंगे ऐसे कि यार ये दोनों लड़का लड़का है, दोनों ने शादी कर ली। तो लेकिन जब वो आइडिया असामान्य होते हैं, सामान्य आइडियाज के लिए चैलेंज प्रस्तुत करते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं, मिशेल फोको कहता है वो हेट्रोटोपिया होता है। कभी भूलोगे नहीं, ठीक, जो वास्तविक होते हैं, वास्तविक या काल्पनिक स्थान होते हैं ये हमारे लाइफ में, ठीक है, तो सामान्य रोजमर्रा के स्थान के विरोध में मौजूद होते हैं, विरोधी विरोधी आइडियाज होते हैं, इन स्थानों के विशिष्ट नियम होते हैं, अपने विशिष्ट कार्य होते हैं, प्रमुख मानदंड को ये चुनौती प्रस्तुत करते हैं, प्रतिरोध करते हैं प्रमुख मानदंडों का। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, क्लियर है सबको, बोलो हाँ क्लियर है सर, तेज आवाज में चिल्ला के। युर्गेन हेबरमास अपनी कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, संचार सिद्धांत, देखो यार आज कितने कम बच्चे ने ज्वाइन किया है, मैं नहीं मानने वाला ऐसा, हाँ इतने कम बच्चे करेंगे मैं इसको कंप्लीट ही नहीं कराऊंगा, देख लेना यार तुम लोग, मतलब 167 ये कोई संख्या है, मनोज सर की क्लास चल रही है 167 बच्चों के साथ, इट इज रॉन्ग, ये अच्छा बात नहीं है, जाओ और लोग लेकर आओ, इतने से कुछ नहीं होगा। हमें समाज बदलना है, समझ गया, युर्गेन हेबरमास किस, अब देखिए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस
पियरे बोर्डियो ने दी थी। बार बार मैं ये बात समझाता हूं आप लोगों को, आप पीछे ले जाकर के दिखा भी देता हूं। ये क्या लिखा है, पढ़े लिखे हो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसके बीच में क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिस के ऑफ है। यहां पर क्या है, अभ्यास का है, का 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 का। और यहां पर क्या है, युर्गेन हेबरमास में बच्चे बच्चे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे क्या है, एंड है, एंड और, ठीक है। तो वहां पे थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, यहां पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस और लेजिटिमेशन क्राइसिस। इसमें इन्होंने बहुत सारे, ये कहते कैपिटलिस्ट सोसाइटी में चार तरह के क्राइसिस पाए जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद उनकी किताब है कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। इन्होंने दो तरह के एक्शन बताए, ठीक, दो तरह के एक्शन, एक स्ट्रेटेजिक और दूसरा कम्युनिकेटिव। स्ट्रेटेजिक ऐसा एक्शन होता है, रणनीतिक कार्य। रणनीतिक कार्य क्या होता है, जो इंडिविजुअल अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक है। और कम्युनिकेटिव कौन सा होता है, कम्युनिकेटिव वो होता है जो आप सोसाइटी के गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है, कौन समझाएगा इतने अच्छे तरीके से यार। फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर दिया है, पब्लिक स्फीयर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, याद रखना, ठीक। युर्गेन हेबरमास कहते हैं कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, ठीक, वो अमीरों ने अपने घर में बैठ करके नहीं किया था रिवॉल्यूशन, अमीरों के खिलाफ हुआ था रिवॉल्यूशन। और वो गरीब लोग जो चाय की दुकान पे बैठे रहते करते थे, कॉफी शॉप पर बैठा रहते थे, इन्हीं लोगों ने था छीना, ठीक, समझ गए। तो इन्हीं लोगों ने, जो गरीब थे, जो सामान्य थे, असामान्य कार्य कर दिया। हमेशा याद रखिएगा, सामान्य कार्य, सामान्य लोग ही असामान्य कार्य इस धरती पे करते आए हैं, ठीक है। हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों में से ही एक आदमी उठता है और असामान्य कार्य करके दिखा देता है, ठीक। चलिए, तो कम्युनिकेटिव एक्शन सोसाइटी गोल, कम्युनिटी गोल संचारी क्रिया, समुदाय के गोल लक्ष्य, और स्ट्रेटेजिक गोल इंडिविजुअल लक्ष्य। रणनीतिक सामाजिक क्रिया, व्यक्तिगत लक्ष्य। अब जब मेरे को ऐसे रट सकता है तो तुम लोगों को काहे नहीं रट सकता भैया, मैं चांद से आया हूं, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक स्फीयर बताया, वो मैंने सार्वजनिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। ये कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर चार तरह के संकट रहेंगे ही रहेंगे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी फ्री रही नहीं सकती है, उसमें कौन कौन से रहेंगे, लेजिटिमेशन क्राइसिस रहेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा, रैशनैलिटी क्राइसिस रहेगा और मोटिवेशन क्राइसिस रहेगा। मोटिवेशन, देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि भाई जॉब अब जो रहेगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कम ही रहेगी, समझ गए। ज्यादा लोग रहेंगे जॉब करने के लिए, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे और कम लोग का सिलेक्शन होगा, तो बेरोजगारी हमेशा रहेगी, तो आर्थिक संकट बना ही रहेगा। लेजिटिमेशन क्राइसिस ये कहते हैं कि जो वैधता का संकट रहता है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो है वो करप्शन करेंगे ही करेंगे, तो वहां पे आपको विश्वास नहीं होगा प्रशासन पे, जैसे आज हम लोगों को नहीं होता है। फिर उसके बाद रैशनैलिटी क्राइसिस रहेगा, नेता आएंगे, नेता कहेंगे कि भैया हम ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, जब वो नेता बन जाते हैं तो फिर कोई काला धन जो है घर में वापस नहीं आता है, ये रैशनैलिटी क्राइसिस। तर्क संगतता का संकट, कथनी और करनी अलग रहेगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी, अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, लेकिन कोरोना काल जब आया तो उसने अपने लोगों को खूब भर भर के थैले में नोट भर भर के दिया, ठीक है, खाना पहुंचाया लोगों के घर। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या कहता है कि भाई मार्केट को तय करने दो,
लेकिन जब मार्केट डाउन होने लग जाता है तो सरकार घुस जाती है, अपना मुंह अड़ा देती है कि नहीं 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 हम हैं बेटा, चिंता नहीं करना। ठीक, तो ये कैपिटलिस्ट पूंजीवादी समाज के खिलाफ है ये सिद्धांत। ठीक है, तो ये रैशनैलिटी क्राइसिस हमेशा बना रहेगा। फिर उसके बाद मोटिवेशन, अब मोटिवेशन आएगा कहां से, इतनी मेहनत कर रहे, लगातार पढ़ रहे, 17-17 घंटे पढ़ रहे, जॉब नहीं लग रही, तो भैया मोटिवेशन क्राइसिस हो गया, प्रेरणा का संकट हो गया। क्लियर, फैमिली जो है आपके अंदर वर्क एथिक्स नहीं डाल पाएगी, मोटिवेशन क्राइसिस आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये कहते हैं कि भैया मॉडर्निटी में बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जुड़े हुए होते हैं। फिर उन्होंने लाइफ वर्ल्ड दिया है, यानी दुनिया, जगत, जीव जगत, लाइफ वर्ल्ड हमारे पूरे एनवायरमेंट से बना हुआ होता है। ठीक, आधुनिकता समस्याओं से घिरी हुई होती है, समस्याओं का समुच्चय होता है, ये कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो गिडेन ने दिया है, यहां कैसे आ गया, सॉरी, अच्छा गिडेन यहां पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, गिडेन, एंथोनी गिडेन रह गया, तो भैया यहां पे एंथोनी गिडेन थे। एंथोनी गिडेन का कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण, संरचनाकरण। ठीक, संरचनाकरण मतलब एजेंसी और स्ट्रक्चर के बीच में इन्होंने कहा है कि दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, एजेंसी और स्ट्रक्चर। तो एजेंसी है क्या, एजेंसी हमारी क्षमता है, कैपेसिटी, अभिकरण, संरचना। ये कहते हैं कि अब जो हम, जब हम क्षमतावान हो जाते हैं तो हम संरचना की रचना करते हैं और संरचना हमारी रचना करती है। ठीक है, मतलब रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम हमें सिखाता है, फिर उसके बाद हमारे में अंदर क्षमता आ जाती है, हम सिखाने लग जाते हैं। क्लियर है, समझ गए अच्छी तरह से। तो वो कहते हैं कि एजेंसी और स्ट्रक्चर एक ही। फिर उसके बाद इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इन्होंने क्या कहा था, वैश्वीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या होता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, एकीकरण, विश्व का एकीकरण, विश्व की इकोनॉमी एकीकरण। तो यहां पर इंटीग्रेशन, वर्ल्ड इंटीग्रेशन याद रखिएगा, वर्ल्ड। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजेशन फॉर एंथोनी गिडेन। एंथोनी गिडेन ने डिस्कस किया है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी, इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने क्वाइन नहीं किया, इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया, इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक, तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल और लोकल से बना हुआ है, यानी लोकल चीज ग्लोबल हो जाती है, लोकल का ग्लोबल, लोकल चीजों का ग्लोबल पे प्रभाव पड़ता है और लोकल, ग्लोबल चीजों का लोकल पे प्रभाव। जब ग्लोबल चीजों का लोकल पे प्रभाव पड़ता है तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, लोकल चीज का ग्लोबल पे प्रभाव पड़ता है तो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। सॉरी, जब स्थानिक चीज का वैश्वीकरण हो जाए तो वो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक, लोकल चीज ग्लोबल हो जा रही है। गिडेंस ने ग्लोबलाइजेशन अवधारणा पर चर्चा की है, इन्होंने दिया नहीं है, इसने चर्चा की है। ठीक है, तो वैश्विक और स्थानीय ताकतों के बीच परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है, इंटरप्ले बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, समझ गए अच्छी तरह से। चलिए, मैनुअल कैसल्स नेटवर्क सोसाइटी, इंटरनेट, नेटवर्क से संबंधित है। ठीक, इनकी किताब का नाम है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। ठीक, इंफॉर्मेशनल सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन पावर पर इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर, नेटवर्क ऑफ आउटरेज एंड होप इन्होंने लिखा है, नेटवर्क ऑफ आउटरेज एंड होप, और फिर इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी पर इन्होंने किताब लिखा है। इंफॉर्मेशन एज ट्रायोलॉजी मतलब इनकी लगभग 3 किताबें आई हैं इंफॉर्मेशन एज पर, जो इनका पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर। ठीक है, नेटवर्क सोसाइटी, स्पेस ऑफ फ्लो एंड टाइमलेस टाइम, फ्लो ऑफ वर्सेस प्लेसेस एंड द रोल ऑफ नेशन स्टेट, नेटवर्क समाज, प्रवाह स्थान, कालातीत समय और प्रवाह बनाम स्थान, राष्ट्र राज्य की भूमिका। देखिए फ्लो मतलब क्या होता है, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, ये फ्लो है। प्लेस मतलब बाउंड्री, ओ बाउंड्री। ठीक, प्रवाह माने बिना रुके, कोई रुकावट नहीं आएगी। और स्थान माने सीमा। अब जब इंटरनेट चालू हो जाता है तो इंटरनेट के जरिए आप क्या, अभी आपको अमेरिका की किसी लड़की से बात करनी है या अमेरिका के किसी लड़के से बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप, ठीक है, तो क्या आपको बॉर्डर का, आज आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा क्या? ठीक, बोलते हैं ना, क्या मुझसे दोस्ती करोगी, हैं? सब लोग बोलते हैं यार अपने लाइफ में। झूठ बोल रहा हूं क्या मैं, मुझे ठसका लग गया। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है हम लोग बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक शब्द, मेरे स्टूडेंट हो तो वो एक शब्द बता दो, वो शब्द बता दो जो मैंने आप लोगों को बताया है, राष्ट्र राज्य, वो एक शब्द बोल दो यार। अरे बोलो ना यार, मतलब लिख दो। रितु प्रिया कह रही है कि मेरा वीडियो स्टक हो रहा है, हो सकता है कि आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मेंटेनेंस भी चल रही है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य मतलब होता है सोवरेन, संप्रभु, संप्रभुता। ठीक, तो संप्रभुता कहीं ना कहीं तो भाई वीक पड़ी है, कमजोर हुई है, ठीक है, इंटरनेट की वजह से। क्योंकि आज देखिए इंफॉर्मेशन हम लोग कितना फ्रीली फ्लो कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब आपको अपने देश से दूसरे देश में ISD कॉल करना होता था, ISD, तो बीच में एक महिला बैठी हुई होती थी, आप उसको कॉल करते थे, वो मिलाती थी कॉल, ठीक। लेकिन आज की डेट में वो सब खत्म, व्हाट्सएप कॉल करके वीडियो कॉलिंग कर सकते हो इसे, हेलो। ठीक है, समझ गए। चलो, फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ड्यूअल सिटी का, आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दोहरा शहर, ड्यूअल सिटी, जहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, यहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई। उसको क्या कहते हैं, उसको ड्यूअल सिटी कहते हैं। इन हिज अर्बन स्टडीज, अर्बन क्वेश्चन इनकी किताब है, याद रखना द अर्बन क्वेश्चन, मैनुअल कैसल्स। ठीक है, शहरी अध्ययन,
में इन्होंने कैसेस हाईलाइटेड द इमर्जेंस ऑफ डुअल सिटी। डुअलिटी मालूम है ना किसको कहते हैं, दोहरा, कहते हैं ना यार ये डुअल आदमी है, एक तरफ कुछ और है दूसरी तरफ कुछ और है, वैसे ही सिटी होती है। मैनुअल कैसेल्स ने कहा इट कैरेक्टराइज एक्सट्रीम टाइप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक, दोहरे शहर जहां विशेष अधिकार प्राप्त समूह वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होते हैं और इसी वजह से यहां पे असमानता, दोहरी असमानता पैदा हो जाती है जो कि सामाजिक और आर्थिक, दोहरी असमानता पैदा हो जाती है यहां पे। ठीक, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेयर प्रिविलेजेड ग्रुप्स बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसको बेनिफिट मिलता है वो दूसरों से कहीं ज्यादा कमाने लग जाता है। ठीक, और जो इस जिसको इसका फायदा नहीं मिलता है ग्लोबलाइजेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका भंटाडार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क और कल का क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा। कल की किताब जो लिखी है डोरोथी ई स्मिथ ने लिखी है, आज आपको बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्लोबल सिटी न्यूयॉर्क लंदन एंड टोक्यो। द ग्लोबल सिटी न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। स्कॉलरशिप शुरू हो गया है, टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 21 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप टेस्ट अटेंड कर पाएंगे। आज ही आपको रजिस्टर करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और कल का होमवर्क जो था उसका आंसर है डोरोथी ई स्मिथ। अरे वाह, बबली वेरी गुड, दीपमाला वेरी गुड, ओहो विनीता वेरी गुड, मार ही डालोगे सबको पता है, सबको खबर है इसका नाम, इस किताब का, लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, कल बताएंगे। वेरी वेरी गुड, गजब, किताबें रट गई हैं आप लोगों को, हैं, चलिए अच्छी बात है। चलो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। ठीक, कल कल तो नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे हैं, याद रखना, कल आपको 3 बजे मेरा एक वीडियो जो है वो मिल जाएगा, अन्ना उकले पे मिलेगा, समझ गए, लिबरल फेमिनिस्ट थी अन्ना उकले, उस पे पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको। चलो बाय बाय, थैंक यू।